अस्सलाम वालेकुम मशाला रिव्यूज़ में हुशा मदीद। आज हम रिव्यू करेंगे सुजुकी एवरी वैगन जेपी टर्बो का, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक नंबर नीचे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार की की के बारे में, जिसमें लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सुजुकी का लोगो है। फ्रंट की लुक अगर देखें तो बहुत ही प्यारी इस कार की फ्रंट लुक है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं, जिसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, और साथ पार्किंग लाइट और इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही प्रोवाइड किया गया है। क्रोम और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में इस कार की फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन की गई है, जिसके ऊपर सुजुकी का लोगो है। ब्लैक और बॉडी कलर में इसका फ्रंट बम्पर है, जिसके ऊपर फोग लाइट की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती। ऊपर की तरफ अगर देखें तो वाशर और वाइपर्स हैं, और साथ ऑटो स्टॉप का रिडार आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यह है सुजुकी एवरी वैगन जेपी टर्बो की फ्रंट लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड लुक के बारे में। फ्रंट लुक की तरह इस कार की साइड लुक भी बहुत ही प्यारी है। टायर्स की अगर बात करें तो इसमें 155/70 का टायर दिया गया है, जो कि 13 इंच के अलॉय व्हील के साथ आता है। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। बाकी आप टायर्स की कंडीशन देख लें, बहुत अच्छी कंडीशन में इस कार के टायर्स हैं। इस कार के फेंडर पर कोई टर्न सिग्नल नहीं दिया गया। बॉडी कलर में इस कार के साइड व्यू मिरर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होते हैं, और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल की ऑप्शन के साथ आते हैं, और इसके ऊपर कोई टर्न सिग्नल नहीं दिया गया। बॉडी कलर में इस कार के डोर ओपनर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि की होल के साथ साथ स्मार्ट की ऑप्शन के साथ आते हैं। इस कार के सेंटर गेट पर स्मार्ट की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती। 40 लीटर इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस कार के रियर व्हील में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इस कार के विंडोज़ के ऊपर रेन वाइजर्स प्री इंस्टॉल्ड दिए गए हैं, और इसके अलावा रूफ़ पर आपको एंटीना भी दिया गया है। रूफ़ की कंडीशन भी आप देख लें। तो यह है सुजुकी एवरी जेपी टर्बो की साइड लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब बात कर लेते हैं इस कार की बैक लुक के बारे में। फ्रंट लुक की तरह इस कार की बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट दी गई है, जो कि एलईडी में है, और उसके साथ वॉशर भी दिया गया है। इस कार की जो रियर स्क्रीन है वो डीफॉगर की ऑप्शन के साथ आती है, और इसके ऊपर वाइपर भी दिया गया है। सुजुकी का लोगो है। बॉडी कलर में इसका ट्रंक ओपनर है, जिसके साथ स्मार्ट की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग में एवरी वैगन लिखा हुआ मिलेगा। टेल लैम्प्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट्स एलईडी में है, जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट हैलोजन बल्ब में प्रोवाइड की गई है। इस कार में रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता। बॉडी कलर में इस कार का रियर बम्पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि पार्किंग सेंसर्स के ऑप्शन के साथ नहीं आता। 678 लीटर इस कार की बूट स्पेस है, और कार के इस पोर्शन पर भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसका 12 वाट का आउटलेट है, और इसके अलावा दो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि एक इधर है और दूसरा यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इस कार की बूट स्पेस है, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इस कार की जो रियर सीट्स हैं वो फोल्डेबल सीट्स हैं। आप इन्हें फोल्ड करके ट्रंक की स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें फोल्ड करके ट्रंक की स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंटीरियर से भी आप इस कार को देख लें। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो डोर ओपनर इसका सिल्वर कलर में डिज़ाइन किया गया है, जिसके साथ लॉक और अनलॉक का बटन है। तमाम पावर विंडोज़ के बटन है, सिर्फ ड्राइवर विंडो ऑटो है, बाकी है तमाम इलेक्ट्रिक है लेकिन ऑटो नहीं है। और इसके अलावा विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन है, और साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट के लिए बटन दिए गए हैं, और साइड व्यू मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका आर्म रेस्ट है, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, बोतल होल्डर और स्पीकर इसका यहाँ पर दिया गया है। इसके की जो सीट्स हैं वो फैब्रिक में डिज़ाइन की गई हैं, जो कि दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं, और इनके दरमियान में आर्म रेस्ट भी प्री इंस्टॉल्ड है, और ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं। डैशबोर्ड का व्यू आप देख लें, बहुत ही प्यारा इस कार का डैशबोर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो इस कार में 3-स्पोक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, और इसके ऊपर SRS एयरबैग प्री इंस्टॉल्ड है। साथ सुजुकी का लोगो है। ड्यूल कलर टोन में इसको डिज़ाइन किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो एनालॉग फॉर्म में इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसकी टॉप स्पीड 140 लिमिट की गई है, और नीचे इसके एक MID डिस्प्ले है, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, गाड़ी की माइलेज वगैरह यहाँ पर शो हो रही है। राइट साइड पर फ्यूल गेज है, और लेफ्ट साइड पर RPM मीटर दिया गया है। स्टेयरिंग के राइट साइड पे एक एयर वेंट है, कप होल्डर है, और साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हेडलाइट्स एडजस्टर है, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और साथ रिडार को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। नीचे पैडल्स हैं। इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पर होती है।
हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच राइट साइड पे जबकि वाइपर कंट्रोल स्विच लेफ्ट साइड पे दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए इस गाड़ी में LCD दी गई है जिसके दोनों अतराफ एयर वेंट्स हैं और साथ हैजर्ड लाइट स्विच है और 12 वाट का आउटलेट यहाँ पर दिया गया है। इस गाड़ी में 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है जो कि ट्रिप्टोनिक नहीं होती। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और साथ फ्रंट डिफोगर और रियर डिफोगर का बटन यहाँ पर दिया गया है और नीचे एश ट्रे है। इस साइड पे एक एयर बैग है पैसेंजर के लिए, एयर वेंट है, कप होल्डर और ग्लव बॉक्सेस का यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर मूव करें तो ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर दिया गया है और यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, सनग्लास होल्डर है, बैक व्यू मिरर है, कैबिन लाइट है। पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। रूफ़ की कंडीशन आप देख लें, इस करके जो सेंटर गेट है वो स्लाइडिंग डोर है लेकिन ये ऑटो स्लाइडिंग डोर नहीं है। फैब्रिक में इस करके रियर सीट्स हैं जो कि सोफ़ा सीट्स होती हैं और इन दोनों के ऊपर दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और ये रिक्लाइनिंग सीट्स हैं और इसके अलावा इनके दरमियान में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। लेग रूम की अगर बात करें तो इस टाइम फ्रंट सीट फुल पीछे की गई है और लेग रूम इसका काफ़ी डिसेंट है। इस तरफ अगर देखें तो विंडो अप एंड डाउन बटन है और साथ डोर ओपनर है और साथ लॉक और अनलॉक का बटन यहाँ पर दिया गया है और नीचे बोतल होल्डर है। इस गाड़ी में 660cc का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बो इंजन दिया जाता है जो कि EFI टेक्नोलॉजी के साथ आता है, पेट्रोल इंजन ये होता है। इंजन पावर की अगर बात करें तो 64 हॉर्स पावर है 6500 RPM पे और 103 Nm टॉर्क है 3500 RPM पे। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। 22 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करें। शुक्रिया।